मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को तबादलों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी को सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कहां अटक गई है सरकार की तबादला नीति। दरअसल तबादला नीति को लेकर हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं क्योंकि 11 दिन में 3 बार तबादलों की खबरें तो आ चुकी, लेकिन तबादला नीति को लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर अटकी तबादला नीति, कैबिनेट की बैठक में नहीं हुआ फैसला, कहां अटक गई ट्रांसफर पॉलिसी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई ट्रांसफर नीति को लेकर कोई विचार नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के प्रभार के जिलों में पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद ही नई ट्रांसफर पॉलिसी को जारी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में जाने और रात्रि विश्राम करने के निर्देश दे दिए हैं। ट्रांसफर पॉलिसी पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का कहना है कि सीएम मोहन इस पर जल्द ही कोई फैसला लेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी में काफी डिले हो रहा है, अब ये जरा माननीय मुख्यमंत्री जी जितना जल्दी हो सकता है करेंगे, जल्दी होगी, व्यवस्था बनेगी, व्यवस्था बनेगी पूरी। उधर तबादला नीति को लेकर जब मंत्री निर्मला भूरिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ नहीं कह सकते, इंतजार है ट्रांसफर पॉलिसी का भी। देखिए कुछ कह नहीं सकते अभी, तो देखेंगे अभी जो जरूरी है वो तो ये है, लेकिन ऐसा कोई अभी कुछ नहीं है, पॉलिसी मैटर है और बात करेंगे, देखेंगे। पिछले दिनों खबर आई थी कि मंत्रियों को जिले के प्रभार सौंपे जाने के बाद तबादले शुरू हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने अभी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों को होल्ड कर रखा है। वैसे इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है, उसे भी जरा सुन लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार कहती है हम ट्रांसफर नीति बना रहे हैं, वही बन नहीं पाती है। स्वास्थ्य विभाग में कुछ ट्रांसफर होते हैं, 3 दिन बाद को कैंसिल हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय IAS IPS के ट्रांसफर लगातार करते रहते हैं। मैं समझता हूँ अभी जब सामने एक बयान आया तो डिप्टी CM देवड़ा साहब कह रहे हैं कि ट्रांसफर नीति बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय बनाने वाले हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो तबादला नीति को लेकर सरकार में एक राय नहीं बन पा रही है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद से ही तबादलों पर रोक लगी हुई है। अब देखना यही है कि सरकार तबादला नीति लाती है या फिर केवल मुख्यमंत्री समन्वय से ही तबादले होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल।